हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल और अपना एटीएम मैं साथ में लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी यूट्यूब की पहली इनकम यहाँ पे आ चुकी है। कितनी आई है, कितने दिन में आई है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। तो अभी चलते हैं और डायरेक्टली एटीएम से मैं यहाँ पे शुरुआत करने वाला हूँ। इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो चलते हैं। अभी मैं तैयार यहाँ पे हो चुका हूँ और घर से निकलते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखनी मुझे। तो एटीएम लेके चलते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ बैंक और डालते हैं एटीएम अपनी पहली इनकम निकालने के लिए, यूट्यूब इनकम निकालने के लिए। एटीएम है ये, और अब मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ कितना बैलेंस वगैरह कितना आया है। मेरा एटीएम जा चुका है HDFC का। तो एटीएम निकालते हैं दोबारा से, और मैंने डाल दिया दोबारा। और विड्रॉल हम करते हैं, विड्रॉल द ट्रांजेक्शन मेन मेन्यू, चेक योर बैलेंस, विड्रॉल कैश, कंटिन्यू, से यहाँ पे अमाउंट डालते हैं 20,000, कंफर्म, पिन डालते हैं। तो ये पहली YouTube इनकम है, आप यहाँ से देख सकते हो। ATM हमारा आ चुका है, मेरे को मैसेज भी आ गया 20,000 कटने का। तो फाइनली हमने पैसे निकाल लिए हैं और अभी चलते हैं घर, फिर वहीं जाके बात करेंगे। बैग की चेन बंद करते हैं, चलते हैं। तो फाइनली मैं अपनी पहली इनकम लेके आ चुका हूँ, यूट्यूब की पहली इनकम अपनी मैं लेके आ चुका हूँ, और अभी घर चलते हैं। मैंने अभी निकलवा ली थी एटीएम से, सारी की सारी निकलवा ली, क्योंकि मैं ऐसे तो ज़्यादा तो उसमें रख के रख सकता था, लेकिन पहली बार मिली है तो थोड़ा सा निकाल के मैं घर ही ले के जा रहा हूँ एक बारी। बाद में एटीएम दोबारा देख लेंगे। इनका करना क्या है वो किसी और वीडियो में देखेंगे, क्योंकि पहली इनकम है, इतना ज़्यादा भी नहीं आई है। और सोच रहा हूँ मैं गिफ्ट वगैरह कर दूँ किसी को, कुछ जो ज़्यादा खास है वो वाली तो किसी और ही वीडियो में देखेंगे क्या करना है इनका, और देखते हैं फिर। बाकी अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, घर जाके बता भी दूंगा, शायद बताना होगा तो। बाकी अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है इस बारे में, वो घर जाके ही मैं बताऊंगा कितने महीने की, कितने दिन की है, कितने व्यूज़ की है, वो सब हम घर जाके ही बात करेंगे। अभी घर चलते हैं, मैं अभी रास्ते में था, मैं अपने स्कूल से आ रहा था, तो वहीं जाके बात करेंगे। तो फाइनली मैं अपने पैसे लेके आ चुका हूँ, ये जो भी मेरे फर्स्ट है तो पहली बार है, तो ये मेरे को है ना थोड़ा इसमें टाइम लग गया था, क्योंकि पहली बार है ना तो थोड़ा मेरे को टाइम लग गया था इसको अर्न करने के लिए। मैंने YouTube चैनल आप देखते हो वैसे तो कब का खोला हुआ है, और मेरा मोनेटाइज कब हुआ था, मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी, तो तब आप वहाँ पे देख लेना, आपको पता लग जाएगा। और मैं आपको मैसेज वगैरह भी वहाँ पे दिखा दूंगा जो मेरे को आया था, एक इंटरनेशनल मैसेज आया था मेरे को, इसको मेरे को इसका एक GST इनवॉइस भी मेरे को इसका एक आया है, अब वो पता नहीं उसको जमा करना है क्या करना है, मेरे को ये बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बस एक आया था तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, अटैच कर दूंगा, बाकी पूरी डिटेल मैं वहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि अकाउंट वगैरह डिटेल वहाँ पे है। मैं आपको अपने मुँह से नहीं, बस मैं आपको एक बार गिन के आप लोगों के सामने इस तरीके से यहाँ पे दिखा देता हूँ, बाकी मैं अपने मुँह से नहीं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ऐसा ही है। बाकी आप देख सकते हो कि कितना मेरे को यहाँ पे इनकम, मेरी कितनी इनकम यहाँ पे हुई है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आप थोड़ा स्लो करके या फिर रिवाइंड करके या फिर जैसे भी आपको देखना है वैसे आप देख लेना। मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी इनकम मेरे को यहाँ पे हुई है, और ये फर्स्ट टाइम मेरे को आई है। और मेरे को 21 तारीख को एक मैसेज आ गया था कि एडसेन की तरफ से कि आपको आपकी है ना इनकम रिलीज कर दी गई है, तो उसके बाद मेरे को 22 तारीख को ही मेरे को अकाउंट में डिपॉजिट हो गए थे। उसके बाद मैं आज 24 तारीख है, तो आज मैं 24 तारीख को ये लेके आया हूँ एटीएम से। वैसे तो मैं ज़्यादा तो एटीएम में ही वहाँ पे रख के रख सकता था, लेकिन मैं एक बारी ले आया था कि घर पे भी तो दिखा दूँ। वैसे मेरे घर पर सिर्फ अभी मम्मी यहाँ पे रहती है, तो मैंने सिर्फ मम्मी को यहाँ पे ये दिखाए, तो आप ये देख सकते हो, स्लो करके देखना है, आप स्लो करके देख सकते हो, तो जैसे ही आपको देखना है वैसे देख सकते हो। और मैं सोच रहा हूँ इसका अभी क्या लेना है, तो वो भी मैं सोच ही रहा हूँ, बाकी
आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी इसका मैंने चैट जीपीटी से भी एक बार पूछा था तो उसने कहा था कि आप ज्वेलरी रख सकते हो, ज्वेलरी वगैरह ले सकते हो, तो ऐसी अगर आपको कोई चीज़ लेनी तो वो आप ले सकते हो। तो अभी आपने देख लिया होंगे कितने ये थे, आपने रिमाइंड करके देखा होगा या फिर कैसे भी आपने देखा होगा। तो ये मेरे को इनकम यहाँ पे इतनी मेरे को इनकम यहाँ पे हो गई है। बाकी जो GST इनवॉइस है और वो जो भी मेरे को और भी काफ़ी ज़्यादा मेल आए थे कि आपको ब्रांच के ऊपर एक बार आपको जाना, वहाँ पे अगर आप जाना चाहो तो चले जाना, तो वहाँ पे भी मैं आपको एक बार मैसेज यहाँ पे वैसे दिखा दूंगा, वहाँ पे भी मैं एक बार जाऊँगा तो उसका भी वीडियो बना लूँगा कि अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट यूट्यूब से पेमेंट आती है तो आपको क्या कुछ करना होता है, आगे की प्रोसेस यहाँ पे क्या होती है। मुझे भी नहीं पता, मेरा भी पहली बार है तो मैं भी नहीं बता सकता कि क्या कुछ है। एक अगले व्लॉग में जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तब आप वहाँ पे देख लेना कि क्या कुछ है। अभी मेरा HDFC का बैंक है तो मैं आपको मैसेज यहाँ पे दिखा दूंगा कि उस पे लिखा होता है, आप एक बार ब्रांच में जाके या फिर नेट बैंकिंग से भी यहाँ पे कर सकते हो। तो वहाँ पे पता नहीं कुछ तो था, मैं आपको दिखा दूंगा, आपको अगर समझ आया तो मुझे भी बता देना, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत इतना ही समझ आया कि वहाँ पे जाना एक बार ज़रूरी है। तो बस आज की वीडियो में इतना था, वीडियो से लेकर जाना, सब्सक्राइब करना और आप लोग भी मेरे को कमेंट करके बताना कि मैं क्या इसका क्या चीज़ यहाँ पे ले सकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।